नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पूरी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि ऑक्शन 2020 के लिए केकेआर की रणनीति क्या हो सकती है, क्या होगा इनका गेम प्लान और ऑक्शन में क्या कुछ ये ऐसा करे जो इनकी टीम को बैलेंस और मजबूत बना दे। तो दोस्तों, ये सारी बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि IPL 2020 से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ आपको मिलती रहे। दोस्तों, KKR की बात करें तो इस टीम ने इस बार ऑक्शन से पहले ही क्रिस लिन, पीयूष चावला और रॉबिन उथप्पा जैसे अपने बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, इनको ऑक्शन से कुछ अच्छे खिलाड़ियों को खरीदने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करें क्रिस लिन की, तो क्रिस लिन हाल ही में शानदार फॉर्म में है, लेकिन इससे पहले ही KKR की टीम ने इन्हें रिलीज कर दिया है। दोस्तों, क्रिस लिन ने साल 2019 में KKR के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने ओपनिंग करते हुए कई शानदार पारियां भी खेली थी, लेकिन इसके बावजूद भी KKR ने क्रिस लिन को रिलीज कर दिया। हालांकि दोस्तों, अब ऑक्शन में ये देखना होगा कि क्या KKR की टीम क्रिस लिन को वापस कम प्राइस में अपनी टीम में लेके आती है या फिर लिन को कोई और ही टीम खरीद लेती है। वहीं दोस्तों, अगर बाय चांस क्रिस लिन को KKR की टीम नहीं भी खरीद पाती है तो लिन के रिप्लेसमेंट के तौर पर KKR को एक अच्छा विस्फोटक ओपनर चाहिए होगा जो टीम को अच्छी शुरुआत दिला सके। तो दोस्तों, KKR की पहली रणनीति यही होगी कि उन्हें क्रिस लिन को ऑक्शन में वापस खरीदना है। अगर वो बाय चांस नहीं भी खरीद पाते हैं तो लिन के रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें एक ताबड़तोड़ ओपनर खरीदना होगा। दोस्तों, ऑक्शन में विकल्प के तौर पर एविन लुइस, टॉम बेंटन, जेसन रॉय और एरन फिन जैसे कई ओपनर्स मौजूद रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, इनमें से किसी को खरीद कर KKR की टीम को अपनी टीम में शामिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरी रणनीति होगी इस टीम के लिए, वो होगी कि इन्हें ऑक्शन से कुछ अच्छे तेज गेंदबाजों को खरीदना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने IPL 2019 में देखा कि KKR की तेज गेंदबाजी बहुत ही खराब हुई थी। प्रसिद्ध कृष्णा, लॉकी फर्ग्यूसन, इन्होंने काफी खराब प्रदर्शन किया था टीम के लिए, लेकिन दोस्तों अंत में आए हैरी गर्ने ने कुछ मैचों में अच्छा जरूर किया। इसलिए दोस्तों, इनकी टीम को IPL 2020 के ऑक्शन से एक अच्छे विदेशी तेज गेंदबाज और एक अच्छे भारतीय तेज गेंदबाज का बैकअप लेके रखना होगा। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे अहम रणनीति होने वाली है इस टीम के लिए, वो होगी आंद्रे रसेल का बैकअप। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा है कई दफा कि आंद्रे रसेल जो है वो इंजरी से जूझते रहते हैं, उनको कई बार इंजरी हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आंद्रे रसेल का बैकअप लेके रखा जाए। दोस्तों, हमने देखा कि इस बार रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में कार्लोस ब्रेथवेट को भी टीम ने रिलीज कर दिया, जो कि 2019 में आंद्रे रसेल के बैकअप के रूप में शामिल हुए थे। ऐसे में दोस्तों, इनकी टीम को रसेल का बैकअप लेना बहुत जरूरी होगा, जिनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑक्शन से इनकी टीम किसी अच्छे ऑलराउंडर को खरीदना चाहेगी। दोस्तों, ऑक्शन में विकल्प के तौर पर जिमी निशम एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे KKR के लिए, जिनके ऊपर दोस्तों इस बार ऑक्शन में काफी टीमों की नजरें बनी रहेंगी। ऐसे में दोस्तों, KKR की टीम इन्हें खरीद कर रसेल का अच्छा बैकअप ले सकती है। इसके बाद दोस्तों, इन्हें अंत में एक अच्छा लेग स्पिनर भी चाहिए होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि केसी करियप्पा और पीयूष चावला दोनों को ही टीम ने रिलीज कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, अब टीम में एक भी लेग स्पिनर नहीं बचा है, सिर्फ कुलदीप यादव और सुनील नारायण ही इस टीम के स्पिनर है। इसलिए दोस्तों, इस टीम को एक फ्रंट लाइन अच्छा लेग स्पिनर चाहिए होगा, जो कि दोस्तों इन्हें ऑक्शन में एक अच्छे और कम कीमत में मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो KKR के ऑक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।